छोटा सा रिएक्शन चाहिए था इस पर, मैं आती हूँ। परिमल कुमार जी, इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है और उसका पहला उदाहरण विपक्ष ने दे दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी। पूजा जी, राहुल गांधी की स्थिति उस बोलू असफल विद्यार्थी की तरह है जिसको स्कूल प्रबंधन ने प्रमोट तो कर दिया लेकिन वो टॉपर को अपेक्षा की कम मार्क्स वाले का जश्न बना रहे हैं, वाले की तरह व्यवहार कर। ये परिवारिक परंपरा को प्रमोट करने वाले लोग हैं, इस सरस्वती परंपरा से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने कहा तो सरकार चला बनाने के लिए संख्या की आवश्यकता होती है लेकिन सरकार चलाने और राष्ट्रीय विकास के लिए सहमति की आवश्यकता। और जहां तक आर्टिकल 19 की बात है तो मैं बता दूं कि स्पीकर के चयन को लेकर विधानसभा करते हैं जबकि डिप्टी स्पीकर के चयन का निर्णय जो प्रेषक के डेट का निर्धारण स्पीकर करते हैं। ये लोग पहले से तर्क देते हैं कि भाई उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि हमारे कैंडिडेट पर्टिकुलरली जो है वो डिप्टी स्पीकर होंगे, तो अभी तो स्पीकर के चयन भी नहीं हुआ है। तो इनको संसदीय परंपरा संविधान के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं। और जहां तक के सुरेश का प्रश्न है, मैं स्पष्ट करता हूँ आपके चयन के माध्यम से कि के सुरेश इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कहाँ है। कल टीएमसी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने सहमति नहीं दी। नहीं, उस पर बात हो गई है, राहुल गांधी की ममता बनर्जी से बात हो गई है और उन्होंने सपोर्ट करने के लिए अपने तमाम सांसदों को बोल दिया है सदन में। अपोजिशन ने इंडिया गठबंधन के फिर से भी के लिए समर्थन करना प्रारंभ कर दिया है। कोई इनका लेना देना सरकार के विकास के लिए नहीं और कंडीशन पर लोकतंत्र चलता है क्या? संसदीय परंपरा में इनको विश्वास ही नहीं, ये संविधान के प्रति लेके घूमते हैं। यदि इनको इतना ही फील होता है कि के सुरेश को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं कांग्रेस उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त करती है? कि क्या आवश्यकता है कि जैसे जो राहुल गांधी जो लगातार असफल न होते रहे हैं किसी तरह इस बार संख्या बल उनको प्राप्त हुई है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए? तो ये डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के लोग हैं, राष्ट्र के विकास ये नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझते कि विरोध कर रहा है प्रत्येक नीति को, चाहे वो पॉजिटिव नीति हो या नेगेटिव। कितनी बुरी बात है, मतलब ये स्पीकर जैसा पद स्पीकर किसी पार्टी का होता है क्या? सदन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ही स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और वह पार्टी लाइन से ऊपर काम करते हैं। और ओम बिरला ने पिछले जो सत्र थे उसमें उन्होंने साबित भी किया। और जब आप अलोकतांत्रिक व्यवहार सदन में करेंगे तो निश्चित रूप से स्पीकर इज इंटाइटल टू टेक एक्शन। तो आज की स्थिति में उसको डिक्टेटर नहीं कहा जाते, ये लोग डिक्टेटर जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब जरूर देती पर इनकी बातों में कोई दम नहीं है। हकीकत तो ये है कि इनसे ये भी पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था क्या, वहां पर कोई संसदीय बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री जी का चेहरा चुना गया था तो वहां भी सबसे पुराने नेता आडवाणी जी को बना दिया होता, पर उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें एक एक पक्ष को जो है पूरी तरीके से फेवर करके दिखाना होता है, तो ये इनका काम है। मैं उसमें नहीं जाती, पर मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि इस बार देश की जनता ये जानती है कि विपक्ष मजबूत है और देश की जनता देख रही है। गोपाल जी और परिमल जी ये कह रहे हैं कि शर्तों पर चुनाव नहीं होता है, ये सदन का स्पीकर है, कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये विपक्ष को समझना चाहिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए। ठीक है, आप मजबूत स्थिति में हैं इस बार लेकिन कुछ परंपराएं हैं उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है कि परंपराओं को अगर ब्रेक करने का किसी ने काम किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से सरकारें गिरा रही है, जिस तरह से आप देखिए कई जगह पर अभी हिमाचल में भी उन्होंने सरकार गिराने की जो नाकाम कोशिश की वो भी असंसदीय है, क्योंकि संसद जो 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 भी विधायक चुनकर आता है वो जनता का होता है और जनता उसे वोट देती, फिर भी उसको खरीदने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में भी जो है राज्यसभा के इलेक्शन में क्या हुआ सबने देखा। इसलिए मैं फिर यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। डरी इसलिए है क्योंकि इसके पास नंबर्स नहीं है पूरी तरीके से, वो बहुमत में सरकार में नहीं है, गठबंधन की सरकार है, एक कमजोर सरकार है। पर इस कमजोर सरकार का डर यह है कि अगर वो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे देगी तो वो अपने आप को असहज महसूस करती है। ये डर का नतीजा है कि आज डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देना चाहती, इसमें असहमति की कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं सरकार डरी हुई है क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है और सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है, इसलिए डिप्टी स्पीकर का पद आपको नहीं देना चाहते। आप संवैधानिक पदों को भरना नहीं चाहते सिर्फ अपने डर की वजह से। और मैं फिर कहूंगी कि ये डर जनता ने इन्हें दिखाया है क्योंकि ये जिस तरह से पूरी तरह से कहना चाहिए कि हठधर्मिता पूरी तरह से अहंकार। दीपक जी, मैं आपके पास आती हूँ लेकिन